गुड आफ्टरनून के स्टूडेंट्स, कल जो है हमने क्लास थर्ड मैथ का जो है एसएस 2.1 रोमन न्यूमरल्स रोमन अंक चल रहा था, जो कि आपको बताया गया था। उसके बाद जो है रोमन न्यूमरल्स आपको बताया गया था कि रोमन न्यूमरल्स आर कंपोज्ड ऑफ 7 लेटर्स, ठीक है, या जो है 7 लेटर से जो है कंपोज किया गया है और जिसका मान जो है अलग अलग है। और इसमें जो है आपको बताया गया था कि सिंबल आई एक्स सी, याद रखेंगे सिंबल जो है आई एक्स सी और यम, ये जो था इसको कैन नॉट बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स, इसको जो है 3 बार से अधिक, 3 टाइम्स से अधिक आप इसको रिपीट नहीं कर सकते। यानी कि आई को भी अगर लिखेंगे तो ट्रिपल आई लिख सकते हैं और ट्रिपल एक्स लिख सकते हैं 3 बार, उसके बाद सी को 3 बार लिख सकते हैं और एम को 3 बार लिख सकते हैं, इससे अधिक आप नहीं लिख सकते, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे, ये सब बता दिया गया था कल। उसके बाद जो है और आल्सो रिमेम्बर, ये ध्यान रखेंगे कि भी ये आपका ये कैन नॉट बी रिपीटेड more than three times IXCD को हम जो है 3 बार से अधिक रिपीट नहीं कर सकते हैं और VL and D ये जो है इसको कैन नॉट बी रिपीटेड एट ऑल, यानी इसको जो है भी एल और डी को हम कभी भी नहीं दोहराते हैं, इसको कभी भी नहीं रिपीट करते हैं, ठीक है। और इसको है आई एच सी डी सी एल को जो है हम 3 टाइम से अधिक जो है इसको रिपीट नहीं कर सकते। ये सब आपको कल बताया गया था पिछले वीडियो में। उसके बाद लिखना बताया गया था कैसे कैसे लिखते हैं, 1 से लेकर 10 दिया गया था, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपका हो गया था, ठीक है। अब जो है कल इसके बाद हमारा आता है एसेस योरसेल्फ 2.1 इसको आगे देखिए अभ्यास को। ये आपका पहला क्वेश्चन है इसमें कि राइट द रोमन न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, ठीक है। यह क्वेश्चन है पहला जो आपका जो है कल नहीं हो पाया था, ठीक है। तो यह आपका राइट द रोमन न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, यानी कि हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में अंक दिया गया है उसको जो है आपको रोमन न्यूमरल्स में लिखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला आपका सेकेंड टू, पहला आपका टू को आपको लिखना है रोमन न्यूमरल्स में, ठीक है। तो आपको बताया गया है वन का क्या होता है, वन का होता है आई, ठीक है। तो टू के लिए क्या लिखेंगे, आप देखे थे वन के लिए आपका आई होता है तो टू के लिए हम लिखेंगे डबल आई, ठीक है, इसको रिपीट कर देंगे आई को तो आपका हो जाएगा टू, तो इसको हम लिखेंगे डबल आई, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। इसके बाद ये आपका सिक्स देखिए, सिक्स है आपका ट्वेल्व है, इसको लिखना है रोमन न्यूमरल्स में, तो यहाँ से आप लिखेंगे ट्वेल्व के लिए आपको बताया गया था 12, यहाँ हो जाएगा इसको जो है 10 प्लस 2
ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा एस आई आई डबल आई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा एक्स एक्स यानी 10 और डबल आई क्या हो जाएगा 2, यानी कि 10 प्लस 2 हो जाएगा आपका 12, ठीक है बच्चों। इसके बाद यहाँ पे देखिए 21 9 पे लीजिए 21 आपका है 20, देखिए 20 यानी 20 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा 20 के लिए आप क्या लिखेंगे, 20 के लिए आप लिखेंगे डबल एक्स, एक्स 10 का होता है एक्स तो 20 है तो डबल एक्स कर देंगे। आपको बताया गया था कि एक्स फॉर्म लिख सकते हैं टी बाय एक्स फॉर्म, तो आपका 20 हो जाएगा और प्लस 1 के लिए लिखेंगे आई, यानी क्या हो जाएगा आपका डबल एक्स आई, यह आपका हो जाएगा 21, ठीक है डबल एक्स आई आपका हो जाएगा 21 का, ठीक है। एक और देख लेते हैं 11 देख लीजिए 11 11 देख लीजिए 11 का आपका 39 यहाँ हो जाएगा इसका 30 का हो जाएगा आपका 30 प्लस 9 हो जाएगा एक्स एक्स का एक्स किस जाएगा और प्लस 9 का हो जाएगा आई एक्स। आपको ध्यान होगा 10 तक आपको बताया गया था 1 2 3 4 5 6 आपका एक ऊपर न्यूरल्स बताया गया था रोमन न्यूरल्स और नीचे जो है इंडो ऑर्बिटल 10 तक, तो आपका 9 का होता है आई एक्स हो जाएगा आपका ट्रिपल एक्स आई एक्स, ठीक है ट्रिपल एक्स आई एक्स। 30 हो जाएगा 10, 20, 30 प्लस 9 हो जाएगा ट्रिपल एक्स आई एक्स 39 का, ठीक है बच्चों। ये आपका हो गया इसमें 1 2 3 4 वो क्वेश्चन बता दिए गए और बाकी इसमें जितने क्वेश्चन आपका बच रहा है वो आप करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आपके पास सब लोगों के पास बुक है उसके बाद उसी में से देख करके इसको आप हल करेंगे। इसमें बी देख लीजिए बी है आपका
10, तीसरे एक्स के लिए 10 और b के लिए 5, ये कितना हुआ 5 होगा। तो यहां से अब क्या आ जाएगा, इनको जोड़ देंगे आपका 10 20 30 यानी कि 5 13 5 10 10 10 आपका 30 और प्लस 5 35, ये कितना आएगा आपका 35। इस तरह से उसको आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है ना। इसके बाद देखिए इसमें एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, ये आपका 7 लिख लीजिए, 7 7 में है डबल एक्स आई बी, डबल एक्स आई बी, ठीक है, इसको देख लीजिए, डबल एक्स है यदि एक्स के लिए क्या लिखेंगे 10, फिर दूसरे एक्स के लिए भी 10 और आई बी ध्यान रखेंगे v से पहले आई लगा है यानी कि v का मतलब 5 है और i जो है लेफ्ट साइड लगा है यानी कि यह क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा, जब दाहिनी तरफ लगता है तो ऐड होता है और जब बाएं तरफ लगता है तो वह सब्ट्रैक्ट होता है, यानी कि 5 या 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा क्या होगा 4 होगा, यानी इसका मतलब क्या होगा i का 4 यानी कि 10 प्लस 10 20 और 4 20 4 यह क्या होगा 24 होगा। ये ध्यान रखेंगे जब भी b के बाएं साइड में लेफ्ट साइड में आपका आई आएगा तो वह सब्ट्रैक्ट होगा और जब बी से राइट साइड में आएगा तो वह जो है ऐड होगा, इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ से आपका हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 4 यानी कि 24, इसमें हम 24 ऐड करेंगे। ये आपका एसेस योरसेल्फ 2.1 का जो है दो क्वेश्चन हो गया ए और बी, इसमें सी और डी बचा, इसको जो है अगले वीडियो में कराया जाएगा, और जिसमें ए और बी में जितने भी क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, ठीक है, जो जितना बता दिया गया बाकी और सब छोड़ दिया गया करने के लिए होमवर्क के रूप में, आप इसको जो है अपने बुक से देख कर करने का प्रयास करेंगे, और जो है सी और डी इसमें जो बचा हुआ है इसको जो है अगले वीडियो में आपको कराया जाएगा। तब तक के लिए गुड नाइट बच्चों।